एमपी के ग्वालियर में घोसीपुरा रेल क्रॉसिंग के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां करीब 11 और 12 साल उम्र के दो बालकों की ट्रैक्टर की चपेट में आने से जान गंवानी पड़ी। दरअसल दोनों बालक अलीम और रेहान खान एक्टिवा पर सवार होकर नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर की वह चपेट में आ गए और एक्टिवा का बैलेंस बिगड़ने से उनके सर में गहरी चोट आई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मौके से तुरंत ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस के आने तक काफी लंबे समय तक दोनों के शव वहीं पड़े थे। बाद में 100 डायल गाड़ी में दोनों को एक आज अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोग दोनों बच्चों की मौत के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों में आक्रोश भी है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर उसके मालिक का पता लगा रही है, साथ ही चालक की भी तलाश की जा रही है। ट्रैक्टर किसी विधि फर्म का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। झाड़ू वाले मोहल्ले के बच्चे हैं, घोसीपुरा रेलवे स्टेशन से ए बी रोड के की ओर जा रहे थे और ए बी रोड के ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली ने वाले ने अनबैलेंस होकर वो बच्चों में सामने से टक्कर मारी है। दोनों बच्चों का स्पॉट पे भैया निकल गया, दोनों स्पॉट पे खत्म हो गए। क्या नाम है बच्चों के? दोनों बच्चों के नाम अभी क्या बताया था? एक का रेहान है और एक का आलिम। एक का आलिम है। आलिम आलिम ये क्या आपस में भाई वगैरह है? दोनों चाचा बाबा के नहीं, पड़ोसी है। सामने आमने आमने सामने है के हैं दोनों। हाँ, एक ही परिवार में से। मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को हाँ पकड़ लिया था पुलिस ने। एक्टिवा पर दो बच्चे सवार थे, रेहान और आलम। एक ट्रैक्टर चालक द्वारा उसको एक्सीडेंट किया है और घटना चलते ही दोनों बच्चों की मौत हो गई है। अभी इनको हॉस्पिटल पहुंचाया डेड बॉडी को, और जो भी प्रक्रिया पुलिस की होती है उस अपराध कायम करके ट्रैक्टर को जब्त करके वो वैधानिक प्रक्रिया में कार्रवाई की जा रही है। चालक पकड़ा गया है? अभी ट्रैक्टर मिल गया है और ट्रैक्टर के हिसाब से कागज वागज निकलेंगे, जो चालक सब अभी आ जाएगा। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है।